न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रॉड से वार कर कबाड़ बिनने वाले की हत्या, स्टूडियो में 8 लाख की डकैती, 2 दिन में 3 कोरोना मरीजों की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। एक युवक ने कबाड़ बिनने वाले को लोहे की रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना पिंपरी चिचवड़ के वाकड़ स्थित चौधरी पार्क में शनिवार रात करीब 9:45 बजे सामने आई। मृतक का नाम रवि है। पुलिस ने आरोपी दत्ता लक्ष्मण पाटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रवि कबाड़ बिनने का काम करता था। वह पिछले कुछ महीनों से अपनी पत्नी से अलग हो गया था। इस दौरान वह आरोपी दत्ता के साथ चौधरी पार्क वाकड़ में रह रहा था। वाकड़ पुलिस को गत रात सूचना मिली कि रवि का शव सड़क किनारे पड़ा है। अगली खबर, वॉचमैन पति पत्नी को कोयते से डराकर जान से मारने की धमकी देकर 8 से 10 डकैती द्वारा स्टूडियो से 8,40,000 रुपए कीमत का ब्रांच धातु का माल लूटने की घटना सामने आई है। मामला सातपुर थाना अंतर्गत का है। पुलिस के अनुसार त्र्यंबक रोड के बेलगांव धबा परिसर में मंदार गर्ग का ब्रांच का पुतला बनाने का कारखाना है। आरोपियों ने सुबह 4:30 बजे वॉचमैन को डराते हुए डकैतों ने कहा कि शोर मत मचाओ नहीं तो जान से मार देंगे। इसके बाद 8 लाख का माल लूट लिया। इस मामले में सातपुर पुलिस स्टेशन के वॉचमैन संजय किशन यादव ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र चौहान के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया है। अगली खबर, नासिक जिले में 2 दिन में 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक की मौत शनिवार 11 दिसंबर को और 2 की मौत गुरुवार 10 दिसंबर को हुई है। जिले में फिलहाल 309 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला सामान्य अस्पताल को कल मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 4,03,804 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। साथ ही अब तक 8,763 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसकी जानकारी जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अनंत पवार ने दी है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।